एकदम क्रिस्पी यमी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स। हेलो फूड लवर्स, वेलकम टू रिचाज किचन। आज हम बनाएंगे आलू और पनीर से एकदम डिफरेंट तरीके का नाश्ता। आई होप आपको ये जरूर पसंद आएगा, तो एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं दो बड़े मैश्ड आलू बॉयल, और इसमें मैं डाल रही हूँ एक चॉप्ड अनियन, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड अनियन डालें आप इसमें, और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ यहाँ पर दो टेबलस्पून कैरेट फाइनली चॉप, दो टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ पर कैप्सिकम, और इसमें अब हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 टेबलस्पून सॉल्ट, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालें आप। यहाँ पर रेड चिली पाउडर 1/2 टेबलस्पून, थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 टीस्पून, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा, और पिंच ऑफ हींग, और हम सारे मिक्सचर को अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर इज रेडी, अब हम कीप असाइड, अब हम इसके लिए एक स्लरी बना लेते हैं। स्लरी के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च लिया है। कॉर्न स्टार्च ना हो तो आप यहाँ पे ऑल पर्पज़ फ्लोर मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसकी अच्छी सी एक स्लरी बनानी है। बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए इसमें, इस तरीके से इसकी फ्लोई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया है वेरेसिमिली, ये जो सेवैयाँ होती हैं हमारी, ये थोड़ी सी हल्की सी भुनी हुई सेवैयाँ हैं, और ये हमारा मिक्सचर रेडी है, और ये हमारी स्लरी। तो हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके इसमें से हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे इस तरीके से। नेस्ट बनाने के लिए इस तरीके से एक पेड़ा लें, और इसको अच्छे से इस तरीके से पहले टिक्की के शेप में इसको दबा दें, इसके एंड्स को बहुत अच्छे से इस तरीके से करें जिससे, और फिर आप उंगली की मदद से इसके एंड्स को थोड़ा सा ऊपर की तरह, जैसे नेस्ट एक हमारा हमने देखा है इस तरीके की, हमको इसको नेस्ट की शेप देनी है इस तरीके से, बीच में थोड़ा सा होल, और इसके एंड्स हमको थोड़े से ऊँचे ऊँचे इस तरीके से मैं सारे बना लूँगी नेस्ट हमारे जैसे होते हैं, और बिल्कुल इसके एंड्स को आप क्लियर कर दें इस तरीके से, और ये रेडी है। ऐसी मैं सारे बना लेती हूँ, मेरे सारे नेस्ट बन के रेडी हैं। अब इस तरीके से एक नेस्ट को अपनी जो हमने स्लरी बनाई थी इसमें हम इसको डिप कर देंगे, और अच्छे से इसको हम कोट कर लेंगे स्लरी से, अच्छे से हमें इसे कोट करना है। और अब ये जो हमारी वेरेसिमिली है हम इससे इसको प्रॉपर अच्छे से सब तरफ से इसको कोट कर देंगे, बहुत अच्छे से हमें इस पर जो है वेरेसिमिली को इस पर कोट करना है, जिससे ये बिल्कुल नेस्ट का हमारा लुक आए इसमें। इस तरीके से मैं सारे कर लेती हूँ, देखिए ऑल द नेस्ट आर रेडी। अब मैं इसको फ्रीजर में रख देती हूँ एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए, आप इसे सेट होने के लिए फ्रीजर में रख दें, उससे क्या होगा जो हमने वेरेसिमिली इस पर लगाई है वो अच्छे से इसमें कोट हो जाएगी, और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो वो बिखरेगी नहीं, और तब तक हम अपनी एग्स की तैयारी करेंगे। अब एग्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है फ्रेश पनीर। इस फ्रेश पनीर को हमको बहुत अच्छे से, बिल्कुल फ्रेश पनीर होना चाहिए आपका, और आप इसको इस तरीके से ग्रेट कर लें, इसको थोड़ा सा इस तरीके से तोड़ लें जैसे मैंने तोड़ा है। अब हमें इसको अच्छे से ना इसको इस तरीके से मथना है, हमें इसको बहुत अच्छे से इस तरीके से मथना है कि हम इसका एक अच्छा सा डो बना सकें, और ये आपस में बाइंड हो सके। इसको इस तरीके से हमको इस तरीके से ऐसे ऐसे करके इसको खूब अच्छे से मथना है। अब इस तरीके से देखिए ये अच्छा सा डो बन गया है। अब बहुत छोटे छोटे हमको बर्ड्स के जैसे एग्स इस तरीके से बॉल्स को लेना है, और बहुत हल्का सा ओवल शेप जिस तरीके से हमारा एग्स का शेप होता है, बर्ड्स के छोटे छोटे हमें एग्स बनाने हैं, इस तरीके से मैं सारे एग्स बना लूँगी। नाउ एग्स आर रेडी, और अब आइए हम अपने नेस्ट को फ्राई करते हैं फ्रीजर से निकाल के। मीडियम फ्लेम पे ऑयल गरम करें, और ये जो मेरे नेस्ट हैं मैंने फ्रीजर से निकाल लिए हैं, और अब इन्हें स्लोली इसमें हम बहुत धीरे से इसको पुट कर देंगे। बस, और ओवरलोड ना करें, और इसको थोड़ा सा सिकने दें। एक स्पैचुला की हेल्प से इसको इस तरीके से इस पर ऑयल जो है वो ऊपर उस पर पोर कर दें इस तरीके से, जिससे ये ऊपर से भी सिक जाए हल्का सा, और नीचे से इसको गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको पलटेंगे। अब देखिए नीचे से क्रिस्पी ब्राउन हो गए हैं, मैं इनको एक फॉक की हेल्प से इस तरीके से मैं पलट देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इनका,
और ऐसे ही मैं दोनों साइड से इसको बिल्कुल क्रिस्पी ब्राउन होने तक इनको इस तरीके से सेक लें। अब देखिए दोनों साइड से बिल्कुल क्रिस्पी ब्राउन हो गए हैं, मैं इनको इस तरीके से आप इनको देखिए और इनको हम निकाल लेते हैं और आइए हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए सारे बर्ड नेस्ट मेरे अब रेडी हो गए हैं, आइए अब हम इनकी अच्छे से इसमें एग्स लगा के इनको प्लेटिंग करते हैं। अब सारे नेस्ट में हमने जो एग्स बनाए हैं उनको हम दो दो एग्स हमारे हम इस तरीके से इसमें प्लेस कर देंगे सारे नेस्ट में। इस तरीके से सारे एग्स प्लेस करके और थोड़ा सा इसको और अच्छा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ी सी आप पुदीना लीव्स इस तरीके से इसमें गार्निश कर देंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा। और एक बार ट्राई करें, डिफरेंट स्नैक्स है, जब आपके घर में कोई मेहमान आया उसे जब प्रेजेंट करेंगे तो इट्स लुक वेरी यमी एंड वेरी डिफरेंट। तो एक बार ट्राई करें, बताएं आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।